एक बार ना बच्चे तो जुड़े हुए। अच्छा प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं ना, करते बच्चा कर भी जाएगा अपन बात करें। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही नहीं बेटा? गुड मॉर्निंग सर। पता नहीं कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, काफी लंबे टाइम से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। चलो क्लास शुरू करते बेटा ना। यस सर। देखो अपन ने कल कर लिया था कंप्लीट आपका समांतर पट संगणितर की डेफिनेशन हमने बता दी थी, फिर उसका प्रोसेस पूरा बता दिया, बताया था ये आपका। तो ये है हमारा समांतर पट संगणितर, जिसमें कौन है सर, समान क्षेत्रफल की दो चालक पट्टिकाएं होती है जो एक दूसरे के समांतर रखी होती है और इसका जो बाहरी प्रस्थ है सर वो भूमि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? भूमि से जुड़ा होता है सर, यही इसकी डेफिनेशन है। संगणितर क्या है सर? सर किसी चालक प्रस्थ के आकार में बिना परिवर्तन किए, किसी चालक प्रस्थ के आकार में बिना परिवर्तन के उसके धारिता बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्था, उसके धारिता बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्था का नाम ही क्या है? संगणितर है। तो सिद्धांत सर बताया था आपने सर, इस किसी चालक प्रस्थ पर उपस्थित आवेश को नियत रखते हुए, किसी चालक प्रस्थ पर उपस्थित आवेश को नियत रखते हुए उसके विभव में कमी की जाती है, उसके विभव में कमी की जाती है। चालक प्रस्थ पुनः उसी विभव को प्राप्त करने के लिए हमसे और अपेक्षित आवेश लेना आरंभ कर देता है जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। सर यही संगणितर का सिद्धांत है। तो डेफिनेशन हो गई, सिद्धांत हो गया सर, बनावट सर ये रहा। चित्रानुसार समांतर पट संगणितर की बनावट चित्रानुसार प्रदर्शित है। इसमें दो समान क्षेत्रफल की चालक पट्टिकाएं एक दूसरे के समांतर रखी होती है, दोनों चालक पट्टिकाओं पर उपस्थित आवेश का परिमाण समान होता है तथा प्रकृति विपरीत होती है तथा द्वितीय चालक पट्टिका का बाहरी प्रस्थ भूमि से जुड़ा होता है, ठीक है। और साथ में मान लिया कि सर माना यहाँ चालक पट्टिका का एरिया कितना है, ए है, और सर इसके बीच की जो दूरी है सर वो कितनी, स्मॉल डी है। तो सर डेफिनेशन हो गया, सिद्धांत हो गया सर, बनावट भी हो गई सर, प्रोसेस क्रिया विधि तो कल मैंने आपको पूरा बता दिया बेटा। प्रोसेस में क्या था सर, ये आपका एक चालक प्रस्थ था सर, ये क्या था आपका एक चालक प्रस्थ था सर, उपस्थित आवेश कितना था, क्यू था। फिर क्या किया सर, इस चालक प्रस्थ के आकार में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए धारिता बढ़ाने के लिए सर इसके समांतर एक दूसरी चालक पट्टिका लेकर आते हैं, प्रेरण क्रिया के कारण उसके अंतर सतह पे क्या आएगा सर, माइनस, बाहरी सतह पे क्या आएगा, धनावेश। पर बताया था मैंने आपको सर यहाँ इसका विभव कितना है, वी है, तो सर यहाँ विभव कम होगा सर, कितना होगा सर, वी माइनस ये नेगेटिव इसके योग को कम करता है और सर पॉजिटिव इसके योग को बढ़ाता है, पॉजिटिव इसकी व्यू को क्या करता है सर, बढ़ाता है, जो कि हम नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या किया इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करते ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा सर, सर ये अर्थ में चला जाएगा जिससे इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और धारिता इसकी बढ़ जाएगी। तो बस यही बताया था मैंने, प्रोसेस है ये आपका, क्रियाविधि है, क्या बताया था सर, किसी चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाने के लिए चालक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को नियत रखते हुए, ठीक है, उसके समांतर एक समान क्षेत्रफल की दूसरे चालक पट्टिका लेकर आते हैं, प्रेरण क्रिया के कारण द्वितीय चालक पट्टिका के आंतर सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है। द्वितीय चालक पट्टिका के आंतर सतह पर उपस्थित ऋणावेश प्रथम चालक पट्टिका के विभव को कम करता है जबकि धनावेश विभव को बढ़ाता है, जो कि हम नहीं चाहते, अतः द्वितीय चालक पट्टिका का बाहरी प्रस्थ भूमि से जोड़ देते हैं जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, परिणाम स्वरूप प्रथम चालक पृष्ठ का विभव कम हो जाता है, चालक पृष्ठ पुनः उसी विभव को प्राप्त करने के लिए हमसे और अपेक्षित आवेश लेना आरंभ कर देता है जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है।
ठीक है, ये इसकी क्या है सर, क्रियाविधि है। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया था सर, डेफिनेशन आपने बता दी नंबर टू, सर सिद्धांत आपने बता दिया सर नंबर थ्री, सर क्रियाविधि भी आपने बता दी, ये हमने कल भी बता दिया था आपको, ठीक है। अब इसमें एक सर फोर्थ पॉइंट क्या है सर, इसका जो चौथा पॉइंट है सर वो है सर हमें यहाँ पे धारिता का सूत्र निकालना है। क्या करना है बेटा हमें, सर यहाँ हमें धारिता का सूत्र निकालना है सर, समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे हम निकालेंगे धारिता किसकी सर, सर ये टॉपिक है आपका समांतर पट संधारित्र, कौन आपका बेटा ये, सर ये समांतर पट संधारित्र है जिसकी धारिता का सूत्र आपको निकालना है। तो सर धारिता कहाँ से निकालेंगे, तो सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था कि सर धारिता C बराबर Q अपॉन B से निकालेंगे, सर चैप्टर की शुरुआत में बता दिया था कि सर हम किसी की भी धारिता निकालें, चाहे गोलीय चालक पृष्ठ की निकाल ली अपन ने, चाहे समांतर पट संधारित्र निकालें, गोलीय संधारित्र की निकालें, जहां कहीं भी आपको धारिता निकालनी है सर C बराबर Q अपॉन B से ही निकालेंगे। किससे निकालेंगे बेटा, C बराबर Q अपॉन B से ही कैलकुलेट होगी। और करना क्या है सर, सर हमें यहाँ किसी प्रकार से विभव का मान निकाल कर लाना हो, समीकरण एक ही आपका क्या है सर आंसर है, समीकरण एक ही आपका क्या सर आंसर होता है, बस किसी तरह से आप विभव का मान निकाल के लिया हो, किसी तरह से क्या करना है हमें सर विभव का मान निकाल कर लेकर आना है आपको, आप विभव का मान निकाल कर लेकर आ जाओ और सर समीकरण एक में ला के रख दो सर, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, धारिता आ जाएगी। तो ये हमने बोला सर समांतर पट संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता किससे सर, सर धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से क्या है सर, सी बराबर क्यू अपॉन वी, जहां पूरा लिखा जा सकता है सी बराबर क्यू अपॉन वी है। तो देखो समीकरण एक जो है सर वही आंसर है, समीकरण एक ही क्या है सर आंसर है, बस हमें किसी तरह से इस विभव V का मान निकाल के लाना पड़ेगा। तो यहाँ C कौन है सर, C तो है समांतर पट संधारित्र की धारिता, C कौन है सर, C है समांतर पट संधारित्र की धारिता है सर, C कौन है सर, समांतर पट संधारित्र की धारिता है सर। Q कौन है सर, समांतर पट संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा है सर, ये कौन है सर, आवेश की मात्रा है सर, समांतर पट संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा या उपस्थित आवेश। इसलिए लास्ट में सर ये V कौन है, तो देखो V है सर, जैसे हम इसको आवेशित करते हैं तो सर इसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाती है, तो V बोलो सर विभव में वृद्धि, या सर यहाँ V बोला जाता है इस समांतर पट संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं सर उसके बीच में उत्पन्न विभवांतर या उत्पन्न विभव। तो V एक्चुअल में कौन है सर, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव है। तो V कौन है सर, V है समांतर पट संधारित्र की, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव ये लीजिए। तो ये हमने क्या ले लिया सर, समांतर पट संधारित्र लिया है और सर हमें इसकी धारिता का सूत्र निकालना है। तो सर चित्रानुसार समांतर पट संधारित्र प्रदर्शित है सर, जिस पर समांतर पट संधारित्र में जहां दो चालक पट्टिकाएं एक दूसरे के समान, क्षेत्रफल की चालक पट्टिकाएं दूसरे के समांतर रखी हुई है, दोनों पर उपस्थित आवेश का परिमाण समान है तथा प्रकृति क्या है, विपरीत है। माना चालक पट्टिका का एरिया कितना है, ए है, और दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। तो सर हमें इसकी धारिता निकालो सर, किससे, धारिता के सूत्र से। सी बराबर कितना सर, क्यू अपॉन वी आएगा, सी बराबर क्या आएगा सर, क्यू अपॉन वी आएगा। अब आप देखो अगर हमें धारिता सर किसी तरह से हमें विभव वी का मान निकालना, सर वी कहाँ से निकालेंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं बेटा ई बराबर क्या होता है सर, वी अपॉन डी होता है, तीव्रता और विभव में संबंध निकाल चुके हैं। ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी होता है। तो प्लेटों के मध्य जो विभव वी होगा सर वो ई डॉट डी होगा, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभव होगा सर वो कितना होगा, ई डॉट डी होगा, कितना होगा बेटा, E dot D होगा। तो आप यहां से आप निकालेंगे तो बोलेंगे समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव V कितना आएगा, फिर ये आएगा E dot D, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव V कितना आएगा सर, ये आएगा E डॉट D आएगा,
कितना आएगा सर? ई डॉट डी आता है। तो सर यहाँ वी कौन है सर? प्लेटो के मध्य विभव। सर ई कौन है सर? प्लेटो के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। और सर डी क्या है? सर डी है समांतर पट संगत की प्लेटो के मध्य की दूरी। तो आप देखो V बराबर क्या होता है? ई डॉट डी होता है, जहां E कौन है सर? E है आपका समांतर पट संगायित्र के प्लेटो के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। तो E कौन है सर? E है समांतर पट संगायित्र प्लेटो के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। सर इसका मान कितना होता है सर? ये है प्लेटो के मध्य, क्या है सर ये? सर प्लेटो के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है सर ये। कौन है सर? तो ये है हमारा E बराबर कितना होता है? तो ये आप डायरेक्ट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम पहले निकाल चुके हैं कि किसी चालक पृष्ठ के कारण जो तीव्रता होती है सर, E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और आप फर्स्ट चैप्टर में आप देखना सर, यहाँ हम जब तीव्रता निकालेंगे किसी दो चालक पट्टिकाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हो, तो सर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान वहां निकाला गया है। तो आप ध्यान रखना सर वो कितना आएगा सर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो चालक पट्टिकाएं हैं सर, उस जो कि एक दूसरे के समांतर रखी हुई है सर, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र निकालो, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र निकालो। तो सर अंदर तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सर बाहर कितना आएगा? सर जीरो आएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपकी बुक में कर रखा है, तो आप ध्यान रखना सर समांतर पट संगायित्र के प्लेटो के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर, वो कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। पर बताओ ये सिग्मा कौन है सर? सर सिग्मा तो आप जानते हो सर, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। सिग्मा कौन होता है एक्चुअली बेटा? सर सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो सर क्या होता है सर? बताया था इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा। कौन होता है सर ये? सर ये होता है इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, क्यू अपॉन ए, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो सिग्मा का मान इसमें रखो तो ई हमारे पास कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हमने ई का मान निकाल लिया क्या? अब E का मन उठाकर यहां रख दो, हमें E थोड़ी, हमें क्या चाहिए? V चाहिए, क्यों बता दिया आपने सर? समीकरण एक ही आंसर है, समीकरण एक ही क्या होता है सर? आंसर होता है, बस किसी तरह से हमें विभव V का मान निकाल कर लाना होगा सर। कितना सर? E डॉट D। E कितना सर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होता है सर? Q अपॉन A। तो सर E कितना आएगा सर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो E का मान यहां डालो। तो विभव V कितना आएगा सर? ये आएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर दो ये लो हमने कर भी लिया। तो किसका मान निकाल लिया सर? हमने विभव का मान निकाल लिया। और क्या कहा था सर? विभव का मान निकालना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो सर विभव निकल गया तो इसका मान उठाकर समीकरण एक में रख दो सर, क्या आ जाएगी? धारिता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? धारिता आ जाएगी। तो समीकरण एक और दो से क्या कर रहे हैं अब सर? समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से बोलो कितना आएगा सर? ये धारिता सी बराबर कितना आएगा? सर आएगा क्यू अपॉन वी। कितना आएगा सर? Q अपॉन V। तो V का मान कितना सर? ये रहा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा सर? QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ Q से Q कैंसिल हो गया है क्या? क्या Q से Q कैंसिल हो गया है क्या? तो अब बताइए C बराबर कितना आएगा सर? ये आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C का मान कितना आया सर? ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो सर यही कौन है सर? यही है समांतर पट संगायित्र की धारिता का सूत्र। समांतर पट संगायित्र की धारिता का सूत्र है, जहां हम पूरा लिख सकते हैं, जहां हम पूरा लिख सकते हैं। तो सी कौन है? तो सी है समांतर पट संगायित्र की धारिता। सी कौन है? तो सी है आपकी संगायित्र की धारिता या समांतर पट संगायित्र की धारिता है सर। कौन है सर ये? तो समांतर पट संगायित्र की धारिता। सर ए कौन है? सर ए है चालक पृष्ठ, जिसमें जो चालक पट्टिका है सर उसका क्षेत्रफल है। ए कौन है? सर चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल या चालक पट्टिका का क्षेत्रफल है सर। सर डी कौन है? सर डी है सर दोनों चालक पट्टिकाओं के मध्य की दूरी। जो दोनों चालक पृष्ठ है या चालक पट्टिका है सर, उनके मध्य की दूरी है। ओके, अब सर इसमें और सर एक्सेलेंट नोट कौन है सर? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, हमने एक बड़ा टॉपिक कर दिया क्या? तो समांतर पट संगायित्र क्या होता है, संगायित्र की डेफिनेशन बताई, फिर उसका सिद्धांत बताया, फिर उसकी क्रियाविधि बता दी, और लास्ट में हमने क्या है सर? समांतर पट संगायित्र की धारिता का सूत्र भी निकाल लिया। तो देखो ये पूरा टॉपिक जब आएगा तो सर कम से कम 3 से 3.5 नंबर का आएगा, कि समांतर पट संगायित्र क्या है, उसकी बनावट प्रोसेस लिखते हुए धारिता का सूत्र निकालो।
तो फिर पूरा कम से कम चार नंबर में, साढ़े तीन या चार नंबर तक आता है। लेकिन कई बार वो क्या करता है, बड़े क्वेश्चन में ना देगा छोटे क्वेश्चन, ऐसे डायरेक्ट बोलेगा कि समांतर पर संघाधारिता का सूत्र निकालो, तो केवल सूत्र ही निकालना फिर आपको, या कई बार एक नंबर पूछ लेगा या आधे नंबर बात करेगा कि सर समांतर पर संघाधारिता परिभाषित करो, या संघाधारिता का सिद्धांत लिखो, या संघाधारिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, संघाधारिता की परिभाषित करो आधे से एक नंबर में आ जाएगा, सिद्धांत लिखवा लेगा आधे से एक नंबर में, ठीक है। और अगर कई बार दो नंबर में आएगा तो बोलेगा समांतर पर संघाधारिता का सूत्र निकालो, केवल वहां पे सूत्र ही निकालना है आपको, बनावट क्रियाविधि ये नहीं डालना। और अगर बड़े क्वेश्चन में आ रहा है, तीन से साढ़े तीन में आ रहा है, फिर आपको सब कुछ करना है। तो ये हमने टॉपिक का कौन सा कर लिया सर, समांतर पट संघाधारिता की धारिता का सूत्र निकाला। कितना आया सर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कितना आ गया सर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हमने निकाला। अब देखो थोड़ा सा इसमें हम रिजल्ट्स निकालें, क्या निकालेंगे सर, रिजल्ट्स निकालेंगे क्या कि सर अभी अभी आपने किया कि सर ये हमारा समांतर पट संघाधारिता है, और सर इसकी जो धारिता का सूत्र हमारे पास में आया सर वो कितना आया, तो देखो सर ये आया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये सर सूत्र आ गया, समांतर पट संघाधारिता की धारिता का सूत्र हमने ये निकाल लिया। पर बताओ ये किसमें निकाला हमने, सर ये हमने निकाला निर्वात में। क्यों सर, कैसे कहा कह रहे हो आप, तो देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट कौन है सर, निर्वात की विद्युतशीलता है, कौन है सर ये, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अब अंडरस्टूड है सर, अगर यहाँ विद्युतशीलता किसकी है, निर्वात की है, तो सर ये धारिता भी किसकी किसकी होगी, निर्वात की। हम कर चुके बेटा ये काम, गोली जब गोलीय चालक प्रश्न हमने किया था तो सर वहां निर्वात में धारिता निकाली थी, फिर माध्यम में निकाली थी, तो यहां पर भी निकालना, पहले किसमें निकालो, निर्वात में, फिर किसमें जाएंगे, माध्यम में। तो बताओ यहां कौन है सर, तो निर्वात की विद्युतशीलता, सर ये धारिता भी किसकी होगी, सर निर्वात की होगी। तो देखो यहां पर ये है निर्वात में धारिता है, क्या है सर, ये निर्वात की धारिता है, ओके, निर्वात में धारिता निकाली। अब सर हम चाह रहे हैं माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता निकालो, सर माध्यम में धारिता कहने का मतलब ये है कि सर प्लेटों के बीच में क्या है सर, निर्वात, या किस क्या हो सर, हवा हो, निर्वात, ये बताया था हवा या निर्वात के लिए एक ही बात होती है। सर प्लेटों के मध्य अगर निर्वात है तो सर निर्वात की धारिता हमने निकाल ली। अब वो कहना चाहता है कि सर प्लेटों के मध्य कोई कुचालक माध्यम रख दे, तो सर प्लेटों के मध्य क्या रख दो सर, माध्यम रख दो। जो पहला केस है सर उसमें तो क्या मान के चल रहे हैं, सर प्लेटों के मध्य जो प्लेट्स हैं सर उनके बीच में क्या रखा हुआ है, सर निर्वात है, हवा है। लेकिन अब वो कहना चाहता है सर प्लेटों के मध्य क्या रख दो, सर माध्यम भर दो, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट कुचालक माध्यम हमने भर दिया। क्या भर दिया सर, एक आपने सर कुचालक माध्यम आपने भर दिया है जिसका पेरा वैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर, जिसका पेरा वैद्युतांक कितना है सर, ये परावर्तन कौन होता है बताया था आपको सर, माध्यम में किसका भाग दो, निर्वात का। तो सर ये क्या होता है सर, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे माध्यम का पेरा वैद्युतांक कहा जाता है। और ये बताया था सर अलग अलग माध्यम के लिए जो पेरा वैद्युतांक उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। हवा या पानी, हवाई निर्वात के लिए 1 होता है, पानी के लिए 81 होता है, अभ्रक के लिए 6 होता है। तो सर ये काफी सारे हैं। तो सर माना हमने इसमें एक माध्यम भर दिया है जिसका पेरावृतांक कितना, एप्सिलॉन आर है, तो बताओ सर अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो माध्यम में धारिता निकाल रहे, तो सर सिंपल है सर, ये तो निकाल सकते हैं सर, निर्वात में धारिता आपने निकाल ली, ये किसमें निकाली सर, निर्वात में। अब किसमें लिख रहे सर, माध्यम में, तो क्या चेंज होगा सर, कुछ नहीं। अगर आप निर्वात में निकाल रहे हो तो निर्वात की दुश्चिंता आ रही, अब किसमें आ गया सर, माध्यम में, तो सर माध्यम में जो धारिता आएगी सर, माध्यम में जो धारिता आपकी आएगी सर वो कितनी आएगी सर, वो आएगी सी डेक्स, कितनी आएगी सर, सी डेक्स। तो क्या होगा सर, सर एरिया तो वही है ए, सर डिस्टेंस भी वही है डी, सर डी डिस्टेंस कितनी सर, डी है, एरिया कितना सर, ए ही है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा सर, क्या हो रहा है सर, पहले यहाँ निर्वात है सर अभी, और अब सर किसमें आ गए, माध्यम में आ गए। तो सर जब निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता, और माध्यम है तो सर क्या आएगा सर, माध्यम की विद्युतशीलता। बता दिया था मैंने आपको कि सर एक तो कौन होता है, निर्वात, एक कौन होता है सर, एक तो होता है माध्यम, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात विद्युतशीलता एक है सर, माध्यम विद्युतशीलता। और फिर बताया था सर माध्यम में किसका भाग दो, निर्वात का, तो सर ये क्या आता है, आपेक्षिक, ये क्या आता है सर, आपेक्षिक अर्थ। तो देखो निर्वात की विद्युतशीलता है, फिर माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम में किसका भाग दिया, निर्वात का, तो ये क्या आएगा सर, आपेक्षिक। अब बताइए यहाँ किसमें लिखा, निर्वात में, तो निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये किसमें लिख रहे हो, माध्यम में, तो किसका सर, माध्यम की विद्युतशीलता आएगी।
तो वो लोग कितना सर माध्यम लेंगे, ठीक है। तो ये लोग हमने सीडेक्स निकाल भी लिया, लेकिन हम चाहते हैं सर सीडेक्स और सीमे संबंध निकालो। सीडेक्स और सीमे क्या निकालो, संबंध निकालो। तो संबंध निकालने के लिए हमें यहाँ इस एक्सेलन का मान लाकर पुट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं सर क्या, सर माध्यम में किसका भाग दे दो, निर्वात का। तो सर क्या मिलता है, सर आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पेरा विद्युतांक। क्या मिलता है बेटा, सर माध्यम का पेरा विद्युतांक मिलता है, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा सर, यहां से आप किसका मान निकालो, यहां से आप किसका मान निकाले बेटा। सर यहां से अगर हम मान निकालेंगे तो किसका मान निकालो, सर यहां से एक्सेलन का मान निकालो सर। तो देखो एक्सेलन का मान कितना आएगा, सर एक्सेलन का मान हमारे पास सर एक्सेलन आर एक्सेलन नॉट। एक्सेलन का मान कितना आ जाएगा, सर ये आएगा एक्सेलन आर एक्सेलन नॉट। तो सर यहां से मान उठाओ और सर यहाँ इस सीडेक्स में लाके रखो। तो सीडेक्स कितना आएगा, सर सीडेक्स हमारे पास आ जाएगा सर ए एक्सेलन आर एक्सेलन नॉट और अपन में कौन है डी। सीडेक्स कितना है आपका सर, ये आ गया ए एक्सेलन आर एक्सेलन नॉट अपॉन डी। तो क्या सीडेक्स हमें मिल गया है क्या। तो ये लो हमने दो जगह हरिता निकाल ली। नंबर वन, एक तो कहां पर, जब पूरी तरह क्या हो निर्वात हो तो कितना आएगा सर ए एक्सेलन अपॉन डी। फिर हमने क्या कहा सर, पूरी तरह क्या भर दिया, कुचालक माध्यम भर दिया, माध्यम भर दिया, इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट इसमें डाल दिया। तो सर वहां पर धारिता कितनी है सर, ये आया ए एक्सेलन आर एक्सेलन नॉट अपॉन डी। तो बताओ सीडेक्स कितना आया सर, इसमें से एक्सेलन कॉमन निकल तो अंदर आएगा ए एक्सेलन नॉट अपॉन डी, ए एक्सेलन नॉट अपॉन डी। अब बताओ ये कौन है सर, ये है निर्वात की धारिता। कौन है सर, ये निर्वात धारिता। तो बताओ सीडेक्स कितना आएगा सर, ये आएगा एक्सेलन आर इंटू में सी। कौन आएगा सर, ये एक्सेलन आर और इंटू में कौन है सर, सी है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि सर माध्यम में धारिता का मान, माध्यम में धारिता का मान सर निर्वात की धारिता कितना सर एक्सेलन आर गुना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सर हम निर्वात से किसमें आए, माध्यम में आए, निर्वात से किसमें आए, माध्यम में आए, तो धारिता का मान बढ़ जाता है। धारिता का मान क्या होता है सर, बढ़ता है सर। कितना गुना बढ़ जाता है, तो सर एक्सेलन आर गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, एक्सेलन आर गुना बढ़ जाता है। तो देखो आपने दो केस कर लिए सर, दो केस कौन से सर, पहला केस हमने किया कि सर इस प्लेटो के मध्य कंप्लीट क्या है सर, निर्वात है, तो सर निर्वात में धारिता निकाल ली पूरी तरह निर्वात। और आप बताओ सर निर्वात भी हो सकता है यहाँ पे, और सर हवा भी हो सकती है। क्यों सर, हवा तो माध्यम है, पर हम जानते हैं कि हवा के लिए एक्सेलन आर का मान, देखो ये है माध्यम में धारिता, यही है ना। पर हम जानते हैं सर हवा की बात करेंगे सर, हवा के लिए एक्सेलन आर कितना होता है, वन होता है। हवा के लिए एक्सेलन कितना होता है, वन। तो यहाँ देखो एक्सेलन डालो कितना आएगा, वन। तो कितना आएगा ए एक्सेलन आर अपॉन डी, किसको जाएगा सर, ये निर्वात को। तो ध्यान रखना ये जो हमने सूत्र निकाला है सर, वो किसका होता है सर, हवा का भी होता है और सर किसे होता है सर, निर्वात में भी होता है। जब भी हवा निर्वात की बात करते हैं तो इसमें ये सूत्र यूज करेंगे। तो सर दो फॉर्मूले निकालिए, नंबर वन जब प्लेटों के बीच में पूरी तरह निर्वात या हवा हो, नंबर टू जब पूरी तरह माध्यम भरा हुआ। यहाँ पूरी तरह उसने निर्वात ले लिया, फिर पूरी तरह इसने माध्यम भर दिया। अब तीसरा केस और करेंगे, क्या जरूरी है क्या कि पूरे में माध्यम भरा हुआ हो, तीसरा केस और करेंगे कि सर। अब तीसरा केस क्या है कि सर ये केस करेंगे, थर्ड हमारे पास क्या है कि सर ये हमने वो लिया, क्या सर ये प्लेट ले लिया अपने समांतर संधारित्र, तो इसमें वो खोलेगा सर। इसके में क्या करो आप सर, कुछ दूरी में तो क्या भर दो माध्यम, कुछ दूरी में तो क्या भर दो माध्यम भर दो, और बाकी दूरी में क्या रहे हवा रहे, बाकी दूरी में क्या रहे हवा। तो ये वाला आर्टिकल और है, कितने केस है इसमें, तीन केस, चार केस है टोटल बेटा इसमें समांतर संधारित्र, कितने केस है चार। नंबर वन जब पूरी तरह हवा या निर्वात हो, पूरी तरह निर्वात हो। दूसरा पूरी तरह माध्यम भर दिया। तीसरा सर आंशिक रूप से माध्यम भरा हुआ, आंशिक रूप से माध्यम का मतलब ये हुआ कि सर ये जो प्लेटों के बीच की दूरी है सर, इसमें हमने एक टी मोटाई का माध्यम भर दिया। लेकिन देखो कुछ दूरी में क्या है माध्यम है, और बाकी दूरी में क्या है हवा है। तो सर ये तीसरा आर्टिकल है क्या कि सर प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कुचालक माध्यम भरा। आंशिक मतलब ये हुआ कि सर इस माध्यम ने इस पूरी दूरी को कवर नहीं किया है, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसमें बात करेंगे तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आवाज आ रही है कि सबकी यहाँ पे बच्चों की आपस में, आवाज आ रही है बेटा मेरी आप तक बेटा, Yes, sir. Yes, sir. आपस में बच्चों की आवाज थोड़ी आती है आपके पास में,
नो सर नो सर फ्रेंड्स के बातें डिस्टर्ब थोड़ी हो रहे हो आपस में नो सर चले यस सर यस सर ठीक है बेटा आप कैसे बोल रहे हो ठीक है तो बात करें तो सर हमने दो केस कर लिए सर पूरी तरह हवा का सर दूसरा पूरी तरह माध्यम का अब कौन सा केस है तीसरा तीसरा केस क्या है सर इसमें माध्यम भरा हुआ है लेकिन कैसे सर आंशिक रूप से भरा हुआ है तीसरा केस क्या है सर आंशिक रूप से भरा हुआ है तो अब तीसरा केस कर रहे हैं समांतर पट संगायत्र की धारिता कब जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कुचालक माध्यम भरा हुआ है आपने तीन केस दो केस कर लिए हैं पूरी तरह किसका कर लिया हवा या निर्वात का फिर पूरी तरह क्या हो रहा सर माध्यम ले लिया अब तीसरा केस क्या है तो तीसरा केस है समांतर पट संगायित्र की धारिता निकालो जबकि प्लेटों के मध्य सर आंशिक रूप से कुचालक माध्यम भरा हो क्या कहा समांतर पट संगायित्र की धारिता का सूत्र जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कुचालक माध्यम रखा हुआ हो आंशिक मतलब इसमें एक आपने कुचालक माध्यम रखा है सर कितनी मोटाई का सर माना हमने टी मोटाई का रख दिया कितनी मोटाई का रख दिया सर ये सर ये टी मोटाई का कुचालक माध्यम रख दिया है और सर डिस्टेंस टोटल कितनी सर डी है तो बताओ इस डी में से केवल टी मोटाई का माध्यम ही रखा है तो सर बाकी जगह ये और ये जो एरिया है सर इसमें क्या है हवा है तो सर अब तीसरा केस हमारा यही है कि समांतर पट संगायित्र की धारिता का सूत्र जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कुचालक माध्यम रहा हुआ है अर्थात यहाँ टी का मान लेस देन डी होना चाहिए अगर टी बराबर डी कर दोगे तो इसका मतलब तो क्या है सर प्लेटों के बीच में पूरा पूर्णतः माध्यम भरा हुआ है यहाँ माध्यम की मोटाई टी सर डी के बराबर है तो वो तो केस कर ही लिया सर ये तो पहला वाला केस यही था सर पूर्णतः माध्यम भरा हो उसके पहले पूर्णतः हवा या निर्वात हो अब तीसरा केस कौन सा है सर आंशिक रूप से माध्यम कुचालक माध्यम भरा क्या हो सर आंशिक रूप से कुचालक माध्यम भरा हो तो इसका भी आर्टिकल करें तो सर कैसे करेंगे सर वही सी बराबर क्यू अपॉन बी सी बराबर क्यू अपॉन बी समीकरण एक ही आपका आंसर है सी बराबर क्या है सर क्यू अपॉन बी है और हम जानते हैं सर समीकरण एक ही आपका आंसर होता है बस किसी तरह से सर विभव का मान निकाल के लाना सर किसी तरह से सर विभव का मान निकाल के लाओ और सर इसमें लाके रख दो सर विभव का मान निकालोगे इसमें लाके रख दो तो आपका काम हो जाएगा तो सर बताइए विभव कहां से ये रहा सर विभव ई डॉट डी से आता है सर अभी भी किया सर प्लेटो के बीच विभव क्या होता है सर ई डॉट डी होता है पर हम ये भी जानते हैं सर ये ई क्या है सर ई तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है बट सिग्मा कितना होता है सर ये होता है क्यू अपॉन ए होता है अभी बताया सर आपने जस्ट तो 5 मिनट पहले ये किया तो सर ई का मान कितना आ गया सर ये आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अब ई का मान उठा के इसमें रख दो ई का मान उठाकर इसमें रखो तो बोलो जब रखोगे तो कितना आएगा सर ये हमारे पास विभव आ जाएगा कितना आएगा सर ये आएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट किसका मान निकाला सर ई का उठा के यहां रखा तो किसका आ गया विभव तो देखो यही समीकरण दो था इससे जब भी ठीक पहले वाला केस किया हमने सर उसमें आप देखो यही समीकरण दो बना था समांतर पट संगायित्र धारिता धारिता सी बराबर क्यू अपॉन बी से निकाला वी बराबर ई डॉट डी होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सिग्मा क्यू अपॉन ए होता है उठा के रखो तो क्या आया ई ई का उठा के यहां रख दो क्या आएगा वी वी आ गया क्या आप देखो यही v को हमने समीकरण एक में ले जाकर रख दो तो धारिता आ गई थी ये काम हमने अभी अभी किया समांतर पट संगायित्र की धारिता का सूत्र निकालते समय तो देखो वो काम तो आपको दोबारा से फिर से यहां से करना पड़ेगा केस कितने हैं चार है नंबर वन पूरी तरह हवा या निर्वात है वो आपने यहां तक कर लिया था और सब v का मान समीकरण एक में आके रखा सी आ गया क्या आया था सर ये आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये आया था क्या फिर सर ये तो पूरी तरह हवा निर्वात में आया फिर माध्यम में क्या किया सर सी डैश कितना आया था सर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ में कौन है सर डी एक्स नॉट आर एप्सिलॉन आर और साथ में कौन है डी सर ये है माध्यम में धारिता जब पूरी तरह माध्यम भरा हो ये हवा निर्वात ये पूरी तरह माध्यम भरा हो अभी तीसरा कौन सा सर आंशिक रूप से माध्यम भरा हो तो सर इसमें क्या करना है कि सर यहां तो समीकरण दो हमने लिख दिया था और समीकरण दो को किसमें ले गए सर समीकरण दो को हम ले गए थे समीकरण एक में ले जाके रख दिया था और हमने काम कर लिया था पर यहां पे हमें थोड़ा सा काम करना है क्योंकि देखो उसमें क्या था विभव एक ही था कि पूरी तरह क्या था हवा थी सर या पूरी तरह क्या था निर्वात था तो सर एक ही विभव था लेकिन आप देखो सर इसमें डबल कैटेगरी है सर डबल कैसे सर कुछ दूरी में तो कौन है सर माध्यम है
और सर जो बाकी दूरी है, बाकी जो दूरी कितनी दूरी में माध्यम बताओ, टी दूरी में, तो माध्यम है सर, टी दूरी में तो कौन है, माध्यम है सर, तो बाकी कितना बचा, डी माइनस टी, ये टोटल रेजिस्टेंस तो डी है ना आपका, तो डी में से टी निकाल दो सर, ये जो बाकी स्पेस और किसका, वो हवा का है सर, बाकी स्पेस किसका सर, ये हवा का है, तो देखो इसमें दो तरह के हैं, कुछ दूरी में माध्यम है कुछ दूरी में हवा है, तो डबल कैटेगरी है, तो विभव भी क्या है सर, डबल निकलेगा, विभव को भी हमें दो तरह से निकालना पड़ेगा सर, एक बार हम इस कुछ अलग माध्यम का निकालेंगे, फिर एक बार हम किसका सर, हवा का निकाल, किसका निकालेंगे, हवा का निकालेंगे, तो आप निकालिए बताइए, सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं सर, सबसे पहले निकाल रहे हैं ठीक है हवा या निर्वात विभव, तो यहीं से निकलेगा, किसका निकलेगा सर, हवा का विभव निकलेगा, किसका निकलेगा सर, हवा का विभव सर, V1 लेट अस सपोज कितना है सर, V1 है, हवा का विभव कितना सर, V1 निकाल सर, कहां से निकालोगे सर, यहीं से निकालेंगे, इसी को मॉडिफाई करो सर, इसी से हम किसका निकाल लेंगे, हवा का निकाल लेंगे, जो कितनी दूरी में है सर, डी माइनस टी दूरी में, इसी से हम किसका सर, माध्यम का निकालेंगे सर, जो कितना सर, टी मोटाई का है, तो पहले सर हवा का विभव निकालो सर, V1 कितना आएगा, अरे क्यू डी अपॉन एक्सल नो, तो क्यू कौन है सर, आवेश की मात्रा सर, वो तो वही है, अपोन में कौन है सर, ए एरिया सर, एरिया भी नहीं बदला हमने, एक्सल नोट कौन है सर, निर्वात या हवा है, तो सर वो यही रहेगा ठीक है, देखो इसमें क्या चेंज, क्यू आवेश सर कोई चेंज नहीं सर, एरिया कोई चेंज नहीं, एक्सल नोट सर निर्वात या हवा, एक्सल नोट ही आता है, अब बी कौन है सर, मोटाई, बी कौन है सर, मोटाई सर किसकी सर, हवा है तो हवा की मोटाई लीजिए, और माध्यम है तो माध्यम की मोटाई लेनी पड़ेगी, भाई हवा तो हवा की मोटाई और माध्यम है तो माध्यम की मोटाई सर, बोलो किसकी मोटाई सर, सर यहाँ तो हम हवा में विभव निकाल रहे हैं सर, ये जो एरिया इसका विभव निकाल रहे हैं सर, तो कितना है सर, वो तो डी माइनस टी दूरी में है, तो सर यहाँ मोटाई कितनी है, डी माइनस टी है, तो ये लो समीकरण नंबर, ये लो हमने हवा का विभव तो निकाल भी लिया, इसका समीकरण दोनों लिखेंगे, ये लो सर हमने हवा का विभव तो निकाल भी लिया, अब किसका सर, अब सर इस टी मोटाई के कुछ अलग माध्यम का विभव निकालो, अब क्या निकाल रहे हैं सर, माध्यम का विभव, टी मोटाई का जो माध्यम है सर, माध्यम का विभव निकाल रहे हैं सर, माध्यम का विभव कैसे निकले सर, वही है, ये आएगा सब कुछ, क्या आएगा सर, V2 कितना आएगा, V2 कितना आएगा सर, Q आवेश बदला है क्या, नहीं सर, एरिया सर, नहीं सर, कौन है सर, एक्सेलन नॉट, और देखो एक्सेलन नॉट कब आता है सर, एक्सेलन नॉट आता है जब हवा या निर्वात हो, क्या हो सर, हवा या निर्वात हो तो सर एक्सेलन नॉट आएगा, हवा या निर्वात क्या आएगा सर, एक्सेलन नॉट आएगा, लेकिन बताओ यहाँ पे कौन है सर, यहाँ तो माध्यम आ गया, तो माध्यम है तो सर माध्यम की विद्युतशीलता एक्सेलन आएगा, निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता, और सर ये ऊपर डी कौन होता है सर, डी होता है मोटाई, डी क्या होता है मोटाई सर, किसकी मोटाई सर, यहाँ कौन था सर, हवा का विभव, तो हवा की मोटाई डी माइनस टी सर, अब किसका सर, माध्यम का, तो माध्यम मोटाई कितनी सर, टी है, तो यहाँ पे कौन आएगा, टी, देखो जो हम विभव निकालेंगे सर यहीं से निकालेंगे, आवेश में कोई चेंज नहीं होगा, एरिया में कोई चेंज नहीं है, बस डी कौन है, मोटाई सर किसकी, तो हवा है तो हवा की मोटाई डी माइनस टी ले लो, और सर जब माध्यम है तो माध्यम कोटे की सर टी ले लो, अब नीचे कौन है सर, एक्सेल नोट है सर, निर्वात हवा में एक्सेल नोट ही आता है, और माध्यम में तो सर माध्यम ले लिया, पर क्या इस एक्सेलन का मान रख सकते हैं हम लोग, हाँ सर रख सकते हैं सर, क्या होता है सर, माध्यम में किसका भाग दो, निर्वात का, तो क्या आता है सर, पैरावतांक माध्यम, माध्यम का पैरावतांक सर, यहाँ से क्या सर, एक्सेलन निकालो कितना आएगा सर, एक्सेलन आर एक्सेलन नोट, भाई यहाँ से एक्सेलन का मान निकाल रख सकते हैं, तो बोलो सर V2 कितना आएगा सर, V2 आएगा सर QT अपॉन A एक्सेलन आर एक्सेलन नोट, अब बताओ क्या हमने विभव V1 V2 दोनों निकाल लिए क्या, आप देखो हमने किसका विभव निकाला, हवा का, और किसका निकाला, माध्यम का, तो सर प्लेटो के मध्य जो कुल विभव है सर वो कितना आएगा सर, वो आएगा V1 + V2 कितना आएगा सर, V1 + V2 तो दोनों को मान रखो, तो टोटल विभव कितना आया सर, ये आया सर QD - T / A εo + क्या है सर, ए क्या है सर, सर ये है QT / A εr εo ठीक है, हो गया, अब बताओ इससे कुछ कॉमन निकल रहा है कि, हाँ सर निकल रहा है सर, भी क्या सर, इसमें देखो ये Q और कौन है सर, Q/εo कॉमन निकालो, Q/A εo कॉमन निकाल लीजिए, जानोगे सर क्या कौन है सर, Q/A εo ये भी कौन है सर, Q/εo, तो अंदर यहां कौन आएगा सर, यहां तो आएगा D - T + बोलो यहाँ पे क्या आएगा सर, Q निकल गया, A निकल गया, सर नोट का, तो क्या आएगा सर, ये आएगा T/εr, तो ये है समीकरण नंबर 2, देखो बताया था सर समीकरण एक ही आंसर होता है, याद कर लेना हमें सर, समीकरण एक ही आंसर होता है, बस किसी तरह से हमें क्या करना सर, विभव का मान निकाल के लाना हो,
समीकरण एक ही आंसर है, बस किसी तरह से विभव का मान निकाल के लाना होता है। सर विभव कहां से लाएंगे? सर जानते हैं E डॉट D होता है, E सर कितना सिग्मा अपॉन एक्सेल नोट होता है, सिग्मा सर Q अपॉन A होता है, तो E निकल गया, E उठा के यहाँ रखो तो सर विभव आ गया। अब देखो समांतर प्रसंगत जो हमने किया था सर, वहां तो समीकरण इसी को दो मान लिया था और यहीं से आंसर निकाल लिया, लेकिन सर यहाँ पे क्या था सर, डबल माध्यम में सर हवा भी है और माध्यम भी, तो विभव भी कितने होंगे? दो। पहले किसका निकाला? हवा का। फिर किसका निकाला? माध्यम का। सर दोनों को जोड़ दो सर, यही कौन होगा? कुल विभव होगा। यही कौन होगा बेटा? कुल विभव होगा। अब बताओ क्या करना है? सर कुछ नहीं, समीकरण दो से मान समीकरण एक में रख दो, समीकरण दो से मान उठाओ और समीकरण एक में लाकर रख दो, तो समीकरण एक और दो से क्या बोलेंगे? समीकरण एक व दो से बोलो क्या मिलने वाला है? C बराबर क्या सर? Q अपॉन V, Q अपॉन V, सर ये रहा V आपका, दिख रहा है क्या V क्या है? सर Q अपॉन A एक्सेलन नॉट और D माइनस T प्लस T अपॉन एक्सेलन नॉट, तो कितना आएगा? सर ये आएगा Q अपॉन A एक्सेलन नॉट और सर ब्रैकेट में कौन है सर? D माइनस T प्लस T अपॉन एक्सेलन R है। हो गया क्या ये लो? हो गया क्या? अब देखो यहां से क्या करेंगे सर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसल हो जाएगा। अब बताओ ऊपर कौन कौन जाएगा? सर यहाँ पे देखो A एक्सेलन नोट ऊपर जाएगा, क्या होगा सर? एक्सेलन ऊपर जाएगा तो धारिता C कितनी आ जाएगा सर? ये आएगा A एक्सेलन नोट और डिवाइड में कौन है सर? सर डिवाइड में है D माइनस T प्लस T अपॉन एक्सेलन R। तो ये लो सर हमने तीसरा केस भी कर लिया। किसका सर? समांतर पट संगायतर का तीसरा केस भी कर लिया है। बोलो कितने केस किए सर हमने? सर तीन केस कर लिए। नंबर वन पहला केस क्या था बताइए सर? फर्स्ट केस था पूरी तरह क्या भरा हो, हवा या निर्वात। फिर पहला केस तो क्या था सर? देखो ये रहा पहला केस तो ये है सर, पूरी तरह क्या है सर? हवा या निर्वात है। तो सर वहां सी क्या आएगा सर? ए एक्सेल नॉट अपॉन डी। फिर दूसरा केस क्या था बताओ? दूसरा केस ये था सर, सर पूरी तरह क्या है सर? कुचालक माध्यम भरा हुआ है, कौन है सर? एक्सेलन आर। तो देखो हवा से निर्वात में आने के लिए इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं, हम बता चुके हैं सर ये निर्वात का होता है, और जैसे आप माध्यम में आओगे तो सर वहां सीडेक्स होगा, और क्या करना है सर? जो निर्वात है वो तो पूरा आएगा ही आएगा, बस एक्सेलन आर और आ जाता है। ये बताना सर, बता दिया सर आपने दो बार कि हवा से निर्वात से माध्यम में जाने के साथ धारिता का मान एक्सेलन आर गुना बढ़ता है, तो जो निर्वात है वो तो पूरा आता ही आता है, बस यहाँ पे एक्सेलन आर और लगा दो। ये लो आंसर आ गया आपका, ठीक है? निर्वात का पूरा निकालना बता दिया आपको, समांतर प्रसंगत धारिता सूत्र निकाला था, फिर पूरी तरह निर्वात या हवा में, फिर पूरी तरह माध्यम में, और ये कौन है सर? तीसरा केस सर, आंशिक रूप से माध्यम बराबर। तो यहाँ पूरी तरह हवा या निर्वात था, फिर यहाँ पूरी तरह माध्यम है। अब यहाँ पे क्या सर? दोनों है, माध्यम भी है और हवा भी है, ठीक है? कुछ अलग माध्यम भी और हवा भी, तो तीन केस हमने कर लिए हैं, पूरी तरह हवा या निर्वात हो, दूसरा पूरी तरह माध्यम भरा हो, तीसरा आंशिक रूप से माध्यम भरा हो। अब इसमें एक चौथा केस और करेंगे। चौथा केस क्या है कि सर ये है आपका समांतर पट संगत, यही है ना सर? आपने कहा सर इसको पूरी तरह भरना है माध्यम से, सर वो तो भर लिया, ये रहा वो तो हमने भर लिया पूरी तरह माध्यम से, पर देखो यहां हमने माध्यम सिंगल एक ही माध्यम से भरा, जैसे अभ्रक भर दी या रुई भर दी, आप सर इसको हमें भरना है, पर क्या अलग अलग माध्यम से नहीं भर सकते हैं क्या? कुछ दूरी में हमने रुई भर दी, कुछ दूरी में हमने अभ्रक डाल दिया, ठीक है? तो अलग अलग कुछ अलग माध्यम से भी भरा जा सकता है। पूरी तरह माध्यम भरा हुआ होगा इसमें, जैसे यहां भरा हुआ है, देखो ये पूरी तरह हवा निर्वात, पूरी तरह माध्यम भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। चौथा केस क्या होगा सर? पूरी तरह माध्यम इसमें होगा, पर अलग अलग माध्यम लेंगे कि सर ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, तो पूरी तरह माध्यम होगा लेकिन क्या होगा सर? अलग अलग माध्यम भरेंगे, तो वो चौथा केस होगा जो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा, कल की क्लास में बात करेंगे। ओके थैंक यू।